हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111 ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग है ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है सो लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थाट्स स्पिरट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा उनकी करंट फीलिंग्स और थाट्स सो वी हैव दिस of ऑफ पेंटिकल्स knight नाइट ऑफ सोल्ड कोई सरप्राइज आई फील कि आपके पर्सन किसी चीज़ पर बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और वो आपको बहुत जल्द सरप्राइज देना चाहते हैं आपसे हिडन है कि वो ये क्या चीज़ है जिस पर काम कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से वो जॉब चेंज करना चाह रहे थे एग्ज़ैम्पल के तौर पर आ, uh, हो सकता है उन्होंने जॉब चेंज कर ली और वो अचानक से आपको सरप्राइज़ देंगे कि ये वाली जॉब मेरी अब हो गई है सेवन ऑफ कप्स वो सोच रहे हैं कि कैसे आपको बताएं किस अंदाज में बताएं एट ऑफ़ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट वी हैव दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली किंग ऑफ़ पेंटिकल्स ने तो श्योरिटी दे दी है हमें कि आपके पर्सन किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए सरप्राइज़ है वो आपको सरप्राइज़ देंगे अगर फीमेल के लिए देख रहे हो सकता है उन्होंने अपना कोई यूट्यूब चैनल बना लिया है उन्होंने अपना फ़र्स्ट वी शूट कर लिया है ये हो सकता है कोई बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है मेल है तो भी टेन ऑफ पेंटिकल्स और उसका सारा ताल्लुक़ इससे है कि मतलब फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं आई रियली फील कि उन्होंने अपने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए किसी काम में एफर्ट डाली है एंड वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बहुत एक्साइटेड फ़ील कर रहे हैं कि वो आपको ये बताएंगे तो आप भी बहुत खुश होंगे इससे आप लोगों को ही फ़ायदा होगा आपके फ्यूचर में फ़ायदा होगा आप लोगों को कोई ऐसा काम वो कर रहे हैं अब कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने कोई जगह ख़रीद ली है ज़मीन ख़रीद ली है बहुत टाइम से वो चाह रहे थे कि उनका अपना ख़ुद का घर हो और उन्होंने ज़मीन ख़रीद ली और वहाँ पर धीरे 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 घर बनना शुरू हो गया है मंथली थोड़ा थोड़ा वो उस पर इन्वेस्ट करके घर बनाना शुरू हो गए हैं विद सेवन ऑफ पेंटिकल्स अगेन ये होता है सीड्स प्लांट करना सो आई रियली फ़ील कि आपके पर्सन ने बहुत इंतज़ार किया इस गोल के लिए तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हो सकता है ज़मीन ले ली है घर बनाने के लिए हो सकता है कि जॉब चेंज कर लिया हो सकता है कोई छोटा सा बिज़नेस में इन्वेस्ट कर लिया है और बड़े होपफुल हैं कि यह बिज़नेस बहुत आगे जाएगा ओ माई गॉड टेन ऑफ वॉन्ड्स है या टेन ऑफ कप्स है ये ये टेन ऑफ कप्स होगा या टेन ऑफ वांड्स होगा आई हैव नो आइडिया सो टेन टेन किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है सो so अगर इसको हम टेन ऑफ वॉन्ड्स के हिसाब से देखें ये इंसान आजकल बहुत ज़्यादा वर्कलोड की वजह से थके हुए हैं राइट right? uh, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड uh, है क्योंकि वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं इस वजह से मे बी वो थोड़ा स थके हुए हैं अगर तो ये टेन ऑफ वॉन्ट्स है बट इफ़ दिस इज़ टेन ऑफ कप्स आई फील के ये इंसान बहुत ज़्यादा उनके दिल में उनके जहन में ये ख्वाब चल रहा है आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाने का सो दे रियली वट कि एक हैप्पी फैमिली वो आपके साथ बनाए साथ, साथ मैं कोशिश कर रही हूँ ढूंढने की ये yes, so कि ये टेन ऑफ कप्स है या टेन ऑफ वांड्स है आई थिंक दिस इज़ टेन ऑफ वॉन्ड्स यस दिस इज़ टेन ऑफ वांड्स सो आई फील कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं काम की ज्यादी की वजह से uh, आपको शायद सही तरह से रिस्पोंड नहीं करें होंगे आपसे बात कर ही नहीं रहे होंगे बॉटम ऑफ द टैग पर द हेरोफेंट है तो कमिटमें सॉरी कमिटमेंट करना चाहते हैं ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं मेरी आँख में कुछ एकदम से चला गया था सो so, uh, ये इंसान बहुत सीरियसली जेनविनली एफ़र्ट्स कर रहे हैं कि आप दोनों का फ्यूचर ब्राइट हो सके आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो सके चाहे ये मेल हो या फीमेल अगर फीमेल भी हैं तो आई थिंक कि वो काम करना चाहती हैं हाथ बटाना चाहती हैं वो नहीं चाहती कि सिर्फ मेरे हस्बैंड यानी आप ही काम करें शादी के बाद तो वो ये सोचती हैं कि मैं भी मेहनत करूँगी विच इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल आप बहुत लकी हैं अगर ऐसी फ़ीमेल आपकी ज़िंदगी में हैं ऐसे सोचती हैं वो तो अगर आप मेल के लिए देख रही हैं ये इंसान तो बहुत आ, मेहनत कर रहे हैं और उनका सारा आप समझ लें ये मेहनत करने के पीछे उनका ख्वाब एक हैप्पी फैमिली का है कि मैं अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकूं मैं अपनी वाइफ़ को प्रोवाइड कर सकूं उसे अच्छे घर में रखूं अच्छा खाना पीना हो यानी उसे परेशान ना होना पड़े कि कल खाने में क्या होगा उसे परेशान ना होना पड़े कि मुझे ये सूट पसंद आ रहा है ये ड्रेस मुझे लेना है वो सोचने ना बैठ जाए कि अब मैं कैसे लूँ ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ सो so, ये इंसान चाहते हैं कि वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकें आपको एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकें बेसिकली आपके पर्सन का ख्वाब ये है सो so, ये आप लोगों की कोई एनर्जी अपडेट थी कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन लव यू लॉट्स बाय